हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज दैट विच अचीव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड ब्रिंग्स ऑल एडवांटेज ऑफ द कॉस्टिंग टू द बिजनेस। फॉलोइंग आर द मेन कैटेगरी ऑफ विच एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग शुड पोसेस और द पॉइंट which should be taken into consideration before installing costing system. Suitability to the business. A costing system must be devised according to the nature, conditions, requirement and size of business. अब देखो, मान लो हम ऐसी costing system को implement करें जो हमारे business के लिए suitable हो। अब पता चले मेरे यहाँ job costing लगाना था, अब मैंने लगा दिया batch costing, ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा। या फिर मेरी छोटी कंपनी अभी, तो छोटी कंपनी पे कॉस्ट अकाउंटिंग उस तरीके से आप कस्टमाइज करो कि आप उसको आपको फॉलो कर सके। अब पता चले छोटी कंपनी है, उसके लिए आपने कॉस्ट के इतने सारे रिकॉर्ड्स बना दिए, तो इसको मेंटेन करना ही मुश्किल हो गया। तो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, कंपनी के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी, दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग शुड बी सिंपल एंड प्लेन सो दैट इट मे बी इजीली अंडरस्टूड। आप कॉस्टिंग के सिस्टम को ऐसा बनाओ जिसको एक नॉर्मल लेमैन आदमी भी समझ सके। अब हर एक पर्सन कॉस्ट अकाउंटेंट तो नहीं हो सकता, हर एक पर्सन CMA तो नहीं हो सकता, तो इस तरीके से आपको कॉस्टिंग को डेवलप करना है कि उसको हर कोई समझने में उसको ईजी हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए रिजिड यार आपने एक बार जो पॉलिसी बना दी वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस तरीके से पॉलिसी बनाना है कि आप उसको टाइम टू टाइम आप चेंजेस करके ला सकते हो, जिससे क्या होगा कि और वो इम्प्रूव होगा और अच्छी तरीके से वो काम करेगा। Flexibility. This system of costing must be flexible so that it may be changed according to changing conditions and circumstances. क्योंकि देखो time to time changes आ रहा, हो सकता है अभी आपकी कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे मैन मेड प्रोसेस ज़्यादा है, धीरे धीरे आपकी कंपनी बढ़ती गई, आपने मशीन इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, तो फिर वहाँ पे कॉस्टिंग का सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो फ्लैक्सीबिलिटी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकल, एक कॉस्टिंग सिस्टम इज लाइक एट इकोनॉमिकल गुड्स, इट कॉस्ट मनी जस्ट लाइक इकोनॉमिक गुड्स। If the system is too expensive, economical मतलब बहुत ज़्यादा costly नहीं होना चाहिए, economical में low costly होना चाहिए, ठीक है। So expensive the management may unwilling, अगर मान लो आपने ऐसा system implement किया, मान लो अभी company छोटी है, नई company है, आप उसके यहाँ जाके आप SAP implement करने लग गए, तो उसकी cost तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो क्या बोलेगा नहीं भाई मुझे costing नहीं करवानी। तो उसको starting level पर उस तरीके से आप उसके यहाँ costing को implement करो कि वो उसको afford कर सकता है, उसको afford कर सकता है, ठीक है। Comparability, the costing system must be such so that it may provide facts and figure necessary to the management for evaluating the performance by comparing it with the past figure comparability मतलब हम past year के data के साथ अपने present year के data को compare कर सकते हैं, हम चीज़ों को find out कर सकते हैं कि हमने कहाँ ज़्यादा खर्चे किए, कहाँ हमने कम खर्चे किए, उसके पीछे के reasons को हम find out कर सकते हैं। तो ऐसे में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है कि अगर हम कंपेयर करना चाहे वन पीरियड को अनदर पीरियड से, तो हम कर सकते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर टाइम, हम जब चाहे तब हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन सो दैट इट मे हेल्प द मैनेजमेंट। अब पता चले मैनेजमेंट को आज किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और आप आज इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो उसको डिसीजन लेने में लेट हो सकता है और उसकी वजह से कंपनी को लॉस भी हो सकता है। मिनिमम चेंजेस इन एग्जिस्टिंग सेटअप, आप बहुत कम चेंजेस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा चेंजेस करोगे न्यू सेटअप, फिर से लोगों को टाइम लगता है उसमें एडजस्ट होने में, तो आप सेटअप्स में ज़्यादा चेंजेस मत करो, ठीक है। आप एक यूनिफॉर्मिटी लेके आओ, उसको आप एक साल, दो साल, तीन साल तक मेंटेन करो। फ्रिक्वेंटली चेंजेस से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझने में प्रॉब्लम्स होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स एंड प्रोफॉर्मर्स ETC नेसेसरी टू बी सिस्टम should be uniform in size and quality of paper. Higher efficiency can be obtained by using color of the paper in distributing different from the printed form should be contained instructions for added disposal. मतलब आप एक uniformity, एक principles बना दो जिससे हर कोई follow करे and जिससे आपकी costing को follow करने में easy हो जाए। नहीं तो अगर आप uniformity नहीं लगाओगे, आपने कोई standard नहीं बनाओगे, तो हर एक person अपने मन की करेगा। अगर आपने standards बना दिए हैं तो हर एक पर्सन लाइबल है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए। मिनिमम क्लर्कियल वर्क,
The filling of the forms of foreman and workers should involve little clerk work as possible, as most of workers are not well educated. To ensure level statics, every original entry should be supported by an examiner of signature. Yes, मतलब होता क्या है कि ये लोग पढ़े लिखे तो कम होते हैं, तो अगर ये लोग पढ़े लिखे कम है और आप इनको एक फॉर्म दे दिए उसमें बहुत सारे डाटा फिल करने के लिए, तो नहीं कर पाएंगे. तब इस तरीके से फॉर्म्स बनाओ, या तो ऐसा फॉर्म बनाओ जिसमें टिक लगाने का सिर्फ ऑप्शन हो और हिंदी में लिखाओ, जिससे तो आराम से देख के टिक यस और नो में लगा सके, यानी हाँ और ना में. ठीक है, क्योंकि हिंदी में होगा तो हाँ और ना होगा, जिससे वो इजीली उसको समझ सके. और नहीं तो उन्हें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और कंपनी का ही वेस्टेज होगा. अगर सैलरीड एम्प्लॉय होगा, पता चले उसने फॉर्म भरने में 1 घंटे लगा दिए, तो गया कंपनी का 1 घंटा आइडल आवर. इफिशियंट सिस्टम ऑफ मेटेरियल कंट्रोल, मेटेरियल के कंट्रोल करने के लिए इफिशियंट सिस्टम लगाना पड़ेगा. जैसे आप ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, और जैसे आप रॉ मेटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन में किस तरीके से आ रही है, प्रोडक्शन में कंज्यूम किस तरीके से हो रही है, वेस्टेज कितना हो रही है, उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करो. एडुकेट बेजेस प्रोसीजर, देयर शुड बी वेल डिफाइंड बेज प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम स्पेंड बाई वर्कर ऑन द डिफरेंट जॉब्स, फॉर प्रिपेयरिंग द वेजेस शीट एंड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस. The introduction of well-defined wage system will help the control the cost of the labor. अब कौन सा लेबर किस काम को कितने टाइम में करता है, ऐसा आपके पास कोई सिस्टम है जिससे आप ये सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं, तो आप अपने कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, चीज़ों को पता कर सकते हैं. कौन सा लेबर आपका सही तरीके से काम कर रहा है, कौन सा लेबर आपका बैठा हुआ है, आइडल टाइम्स कौन सा लेबर ज़्यादा कर रहा है, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी. डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ए साउंड प्लान शुड बी डिवाइज फॉर द कलेक्शन एलोकेशन, कलेक्शन करना, कॉस्ट को एलोकेशन करना, ये चीज़ें मैंने बताया है. अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ओवरहेड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कॉस्ट एक्यूरेटली. कॉस्ट को एक्यूरेट करने के लिए आपको सारी कॉस्ट मालूम होनी चाहिए, और डिफरेंट डिपार्टमेंट पे आपको क्या करना है, चार्जेज करने हैं उसको, जिससे आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट सही तरीके से निकल सके. देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज इन फाउंडेशन लेवल पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल बेस्ड है. जितनी प्रैक्टिकल है उतनी हम प्रैक्टिकल जरूर देखेंगे, जो चीज़ें थ्योरेटिकल है आपको थ्योरेटिकल समझने में समझना पड़ेगा. और मैं चाहता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको प्रैक्टिकल वे में समझाया जाए. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैंने आपको बताया है कि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप कॉस्ट का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती है जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते, तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कंसिडर कर रहा है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं आ सकता. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे. जैसे आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया होगा 11th 12th में, तो यहाँ पर भी हम रिकंसिलिएशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में एंड कॉस्ट अकाउंट में. Duties and responsibility of the cost accountant. Under a good system of cost accounting, the duties and responsibility of the cost accountant should be clearly defined. The cost accountant should have access to all the work and the department. So hope so आपको सारी चीजें आपको समझ में आई होगी. And hope for the best. Bye. Take care. Best of luck.